हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज, रेसलमेनिया का शॉकिंग प्रीमियम लाइव इवेंट तो हो चुका है खत्म, बट अब बारी है कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जहां से काफी कुछ फ्रेश चीजें हमें होते हुए दिखेगी। स्टार्ट सॉकर देखने को मिलने वाला है एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। सो सबसे पहले शुरुआत कर ली जाए अपने न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन से। सो आप सब जानते हैं कोडी रोड्स के बारे में तो सभी बात कर ही रहे क्योंकि उन्होंने रोमन रेंस का रेन किया है, एंड बट सैमी ज़ेन ने भी गुंथर का 666 डेज का रेन किया है एंड जो कि एक काफी बड़ी अचीवमेंट है। वहीं बात कर ली जाए कि अब सैमी ज़ेन के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है कि गुंथर वापस से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पिक्चर में आने वाले। ऐसा हो सकता है कि इस वीक के रॉ में आप सबको रीमैच वगैरह देखने को मिल जाए, नहीं तो आप सबको कोई न्यू चैलेंजर देखने को मिल सकता है गुंथर का। वहीं बात कर ली जाए वो हो कौन सकते हैं, देन दो नेम जो सबसे ऊपर निकल कर आते हैं, सबसे पहले है चैड गेबल और दूसरे है ब्रॉन्सन रीड। अब ब्रॉन्सन रीड तो आप सब जानते ही हो अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल भी जीता था और उन्होंने ही सैमी ज़ेन को रोड टू रेसलमेनिया में हराया था गुंथर को फेस करने से पहले, इसलिए उनका तो चैलेंज करना सेंस बनाता ही है। और चैड गेबल का तो आप सबको पता ही है, उन्होंने ही ट्रेन किया है सैमी ज़ेन को गुंथर को फेस करने के लिए, तो मे भी हो सकता है सैमी ज़ेन हमें अपना पहला अपॉर्चुनिटी उन्हें ही देते हुए दिखे, या फिर अगर WWE चाहे तो हमें चैड गेबल का पूरी तरह से हील टर्न देखने को मिल सकता है एंड वो सैमी ज़ेन को चैलेंज कर सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ आगे क्या कुछ होने वाला है। तो आप सबको पता ही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को भी लेकर हमें काफी कुछ देखने को मिला रेसलमेनिया में। सबसे पहले तो ड्रू मैकइंटायर ने हराया सेथ रॉलिंस को और वो बने हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, लेकिन वो सेलिब्रेट करते करते पहुंच गए CM Punk के पास एंड उन्हें करने लगे टीज, जिसके बाद CM Punk ने उन पर कर दिया अटैक और उसका फायदा उठाया डैमियन प्रीस्ट ने और कैश इन कर दिया अपना MITB का कॉन्ट्रैक्ट और वो कैश इन कर बन गए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो चांसेस है कि इस वीक के रॉ में आप सबको डैमियन प्रीस्ट के सामने ड्रू मैकइंटायर आते हुए दिख सकते हैं और उनसे रीमैच मांगते हुए दिख सकते हैं, एंड सेथ रॉलिंस के भी काफी कम चांसेस है कि वापस से अब वो जाने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर में, एंड सेथ रॉलिंस के साथ क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। वहीं सेथ रॉलिंस से बात चली रही है, देन रेसलमेनिया में काफी ज्यादा और चीज हुई जिससे सभी को लगा कि भाई डीन एम्ब्रोस वापस आ चुके हैं WWE में। वो ये था कि हमें शील्ड का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए दिख गया और कमेंटेटर्स भी भाई उसी तरह से बातें कर रहे थे जैसे सेथ रॉलिंस अकेले नहीं आने वाले बल्कि किसी के साथ आने वाले, लेकिन हम सब देखते हैं सिर्फ सेथ रॉलिंस आते हैं शील्ड के कॉस्ट्यूम में। सो गाइस, भले WWE ने अभी डीन एम्ब्रोस का रिटर्न नहीं कराया, लेकिन यहां से ये चीज हमें पता चल रहा है WWE थोड़े थोड़े टाइम में शील्ड एंड डीन एम्ब्रोस का याद सभी को दिलाते रहती है ताकि जब डीन एम्ब्रोस वापस आए तो काफी सारी कमाल की स्टोरीज बने। वैसे क्या आपको भी लगा था कि डीन एम्ब्रोस आने वाले वहां पर, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि रोमन रेंस, रॉक, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, इन चारों का आगे क्या कुछ होने वाला है। सो जैसा कि इन्हीं चारों नेम को लेकर WWE ने पूरे रेसलमेनिया को हाइप किया था और इन चारों ने डिलीवर भी उसी तरह से किया, यानी कि इनके मैचेस को लेकर फैंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं है। अब रिजल्ट अलग बात है, सबसे पहले बात कर ली जाए कि कोडी रोड्स का पहला चैलेंजर कौन होने वाला है। देन WWE चाहे तो कोडी रोड्स और रोमन रेंस का रीमैच करा सकती है, बट आप सभी को पता है इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। ये चीज अभी होगी यानी कि रोमन रेंस का इतना टाइटल रेन हुआ है खत्म, सो WWE कुछ महीनों तक शायद से रोमन रेंस को चैंपियनशिप पिक्चर में नहीं डालेगी, बट उन्हें नहीं डालेगी लेकिन एक और बंदे को डाल सकती है, वो कोई और नहीं बल्कि है दी रॉक। अब ये चीज तो आप सबको पता है मई में हमें सऊदी का इवेंट देखने को मिलने वाला है और एक्सपेक्टेड है कि वहां पर हमें रॉक रेसल करते हुए दिखेंगे, और नाइट वन में तो आप सबको पता है रॉक ने पिन किया है कोडी रोड्स को, तो ये चीज काफी ज्यादा सेंस भी बनाती है। जिस तरह से हम सब कोडी रोड्स एंड रॉक की स्टोरी लाइन देख रहे हैं, इनका सिंगल्स मैच डेफिनेटली से हमें देखने को मिल सकता है जो कि चैंपियनशिप के लिए हो सकता है, यानी कि रोमन रेंस के चैलेंज करने से ज्यादा चांसेस है कि हमें रॉक चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं कोडी रोड्स को। लेकिन बात कर ली जाए कि रोमन रेंस का क्या होगा, तो अगर आप सबने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आप सभी को पता है कि चांसेस है कि अगर इस वीक के रॉ और स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस देखने को नहीं मिलते हैं, देन रोमन रेंस आप सबको सीधा देखने को मिल सकते हैं समर स्लैम के टाइम। लेकिन अगर रोमन रेंस इस वीक के रॉ में आते हैं तो या तो उनकी फ्यूड सेथ रॉलिंस के साथ हो सकती है, बिकॉज आप सबको पता है सेथ रॉलिंस ही एक तरह से मेन रीजन बने जिसकी वजह से रोमन रेंस हारे अनडिस्प्यूटेड टाइटल, बिकॉज 10 साल पहले की बात सेथ रॉलिंस ने याद दिला दी रोमन रेंस को, जिसने रोमन रेंस का फोकस ले लिया पूरी तरह से। सो सेथ और रोमन का फ्यूड WWE करा सकती है, यानी कि इन चारों की स्टोरी फिर से एक तरह से रहेगी कंटिन्यू। बट अगर WWE कुछ और ही कर रही है प्लान, तो इस वीक के रॉ में आप सबको दो बड़े सॉकर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है कि सेथ रॉलिंस हमें टर्न करते हुए दिख जाए कोडी रोड्स पर, एंड रॉक टर्न करते हुए दिख जाए रोमन रेंस पर।
अब कोडी रोड्स का साथ आप सब जानते हो सेथ रॉलिंस इसलिए दे रहे थे ताकि रोमन रेंस के पास से चली जाए चैंपियनशिप। एंड अब जब ये चीज हो चुकी है तो वो कोडी रोड्स को कर सकते हैं चैलेंज एंड रॉक वापस ही WWE में इसलिए आए थे ताकि उनका मैच रोमन रेंस के साथ हो पाए। तो मे भी हो सकता है WWE रोमन वर्सेस रॉक के बीच एक नॉन टाइटल मैच करवाते हुए दिखे सऊदी के इवेंट में, इसलिए ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस उसी के जो कि मैंने आप सबको पहले बताया। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि अगर सऊदी के इवेंट में रोमन रेंस कम्पीट करते हैं तो आप क्या चाहते हो उनका मैच वहां पर किसके साथ हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।